Hello students, today we will start coordinate geometry for objective and subjective student के लिए. सबसे पहले हम क्या start करेंगे बेटा? Coordinate system. Coordinate system बेटा आपने दो system पढ़ने हैं, एक तो Cartesian system. एंड पोलर सिस्टम. इन कार्टेशियन सिस्टम जो आपने 10th क्लास तक में डिस्कस किया बेटा, पढ़ाया वो क्या कहता है, वी आर डीलिंग विद टू परपेंडिकुलर लाइंस. देखो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस कार्टेशियन सिस्टम. जब हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है, देखो एक्स वाई, तो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पी एम ओ. तो ओ एम क्या है एक्स, एम पी क्या है वाई. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम टू परपेंडिकुलर लाइन के साथ चलते हैं, बट इन पोलर सिस्टम एक सिंगल लाइन के साथ चलते हैं. इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट? अच्छा, इसमें किसको क्या बोलते थे? ओरिजिन. इसकी वैल्यू क्या थी? जीरो जीरो. ओके, बट इन पोलर सिस्टम दिस लाइन इज कॉल्ड पोलर एक्सिस और इनिशियल लाइन भी बोल देते. देखो इसके लिए मुझे टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की, इसमें एक सिंगल लाइन के साथ चलेंगे. तो हमने ये लाइन मूव करेगी बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. देखो यदि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो थीटा पॉजिटिव लेना है, जितना भी एंगल मूव कर रहे हैं. इफ क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव. यदि आप ऐसे मूव कर रहे हैं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा. और इसको जो लिया ना मैंने वो, इसको ओरिजिन ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोल. और जो लाइन यहां एंड होगी, मतलब सपोज यहां पे एंड कर दी हमने, तो इसको एंड लाइन भी बोलते हैं. और इसको रेडियस वेक्टर भी बोलते हैं और इसको पोलर रेडियस भी बोलते हैं. रेडियस वेक्टर इस लाइन को. ओके, सपोज इसकी लेंथ आर है, तो इसके कोऑर्डिनेट किए हुए बेटा आर थीटा. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? आर थीटा. देखो थीटा रोटेट किया किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज. लेंथ क्या है आर, और इसको क्या बोलेंगे? पोल. जैसे मैंने इसमें कहा है इसका रीजन है, उसको क्या लिखते हैं? जीरो जीरो. यहां पे पोल जो है इसको लिखेंगे जीरो थीटा. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो थीटा. रीजन क्या है बेटा? देखो लेंथ यहां पे जीरो है, रेडियस मैंने क्या है ये आर है. कितना एंगल रोटेट किया? थीटा. तो इसके पॉइंट्स क्या है? आर थीटा. इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट. जो पोल है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो थीटा. क्यों? थीटा तो कहीं भी हो सकता है, पर जो ये इसका डिस्टेंस है, लेंथ है, वो तो जीरो है. आर तो यहां पे जीरो है, एंगल कहीं भी हो पर पॉइंट तो यहां पे क्या है? जीरो है. आर तो जीरो हो गया, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है. सो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? आर थीटा. और एक बात, जैसे मैंने यहां पे 2-3 पॉइंट लिखा, तो ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 3 है, ये यूनिक होंगे पॉइंट. 2-3 एक ही लिखा जाएगा, बट इसमें नहीं है. इसमें आर तो यूनिक होगा बट थीटा इज नॉट यूनिक. आप कहोगे कैसे? देखो बेटा एक बात, देखो इस तो देखो बेटा, एक ये मैंने लिखा बेटा, ये थीटा एंगल है, ये पोल है, ये आर थीटा है ना बेटा. सपोज मैं इसको ऐसे मूव कर गया, कितना एंगल हो गया? 2π. उसके आगे कितना हो गया? थीटा. तो इसके कोऑर्डिनेट आर 2π प्लस थीटा भी हो सकते हैं. मीन जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल को क्या बोलते हैं? विक्टोरियन एंगल भी बोल देते हैं. विक्टोरियन एंगल भी बोल देते हैं, पोलर एंगल भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं बेटा? पोलर एंगल. मेरा कहने का मीनिंग है यहाँ पे आर, आर क्या है? रेडियस वेक्टर. ये तो यूनिक होगा, बट आप देखो यहाँ पे थीटा इज नॉट यूनिक. देखो बेटा यहाँ पे सिंपल थीटा भी था, यदि मैं रोटेट करके यहाँ पे आ गया 2π, आगे फिर थीटा 2π प्लस थीटा. मीन जो पोलर एंगल है वो यूनिक नहीं है. क्लियर है पॉइंट? इसके बाद हम रेडियस वेक्टर की बात भी करते हैं. नेगेटिव ऑफ रेडियस वेक्टर कैसे हो? देखो बेटा,
अब जो मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, माइनस आर उसकी बात करो, नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर। देखो ओ ये पोलर इनिशियल लाइन है, ये फाइनल लाइन है, सपोज ये थीटा है, ये लेंथ क्या होगी आर थीटा, ये पॉइंट क्या होगा बेटा आर थीटा। तो इसको इस तरफ इंक्रीज कर दो तो ये पॉइंट क्या होगा, मतलब इसके ऊपर हम ये भी बोल सकते हैं इसकी रिफ्लेक्शन ऑफ पोल, रिफ्लेक्शन ऑफ पोल। तो क्या होगी ये बेटा पॉइंट क्या होगा, माइनस आर थीटा। क्या होगा बेटा पॉइंट ये माइनस आर, इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट पोल ये आर है, तो ये क्या हो गया बेटा माइनस आर, एंगल क्या हो गया बेटा थीटा। मैंने एक बात और की थी ना, पोलर एंगल इज नॉट यूनिक, तो बेटा ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है। तो ये एंगल कितना हुआ बेटा, देखो ये थीटा है, ये कितना हो गया आगे पाई। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, सपोज देखो बेटा एक तो ये हो गया ना, मैं ये बता रहा हूं बेटा ये यहां पे रोटेट किया, यहां पे थीटा था। यदि मैं इसको देखूं एंगल को, सपोज मैं इस, ये लाइन नहीं है, ये रोटेट करके यहां पे ले आया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे आर पाई प्लस थीटा। देखो बेटा मैं इसको रोटेट किया यहां पे ले आया, तो यहाँ पे आर भी बोल सकते हैं, इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आया। देखो एक तो रिफ्लेक्शन है, इसकी रिफ्लेक्शन क्या होनी माइनस आर थीटा। यदि मैं इसको रोटेट कर दूं आगे, देखिए इसको, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दिया, कितना एंगल रोटेट किया पाई, लेंथ क्या थी आर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आर पाई प्लस थीटा। क्लियर है मेरा पॉइंट बेटा। तो जैसे मैं आपको कहूं भी इसको पोलर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करो, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये लेंथ क्या है टू, एंगल क्या हो गया पाई बाय थ्री, तो टू पाई बाय थ्री। एक स्टूडेंट को पूछ रहा हूं मैं बेटा, यदि मैंने ये रिप्रेजेंट करना है माइनस थ्री फाइव पाई बाय फोर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस थ्री फाइव पाई बाय फोर। देखो बेटा माइनस थ्री कब आएगा, माइनस आर कब आएगा, जब हम रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, किसकी रिफ्लेक्शन ले रहे हैं पोल की, किसी पॉइंट की पोल के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। तो ये लिखा था ना मैंने माइनस आर, पहले देखो 5 पाई बाय 4 कहां बनेगा, 5 पाई बाय माइनस को छोड़ दो पहले, आप 3 एंड 5 पाई बाय 4 देखो, 3 एंड 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 कितना हो गया बेटा पाई प्लस पाई बाय 4, 225 डिग्री हो गया। तो यहां पे आ गया 225 डिग्री, यहां पे 180 डिग्री, 45 डिग्री। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 3 5 पाई बाय 4, इसकी लेंथ निकली। अब मुझे क्या चाहिए माइनस 3, तो मैं क्या लूंगा इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट पोल, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे ये था बेटा यहां पे आर थीटा, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या थी माइनस आर थीटा, यहां पे 3 पाई बाय 4 है, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या आएगी 3 माइनस 3 5 पाई बाय 4। क्लियर है, ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है इसको। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन कार्टिजन एंड पोलर सिस्टम, इसमें रिलेशन क्या बनना है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये मैंने कार्टिजन सिस्टम ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे एक पी पॉइंट ले लिया बेटा पी एक्स वाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई, ओके इसकी लेंथ है एक्स, इसकी लेंथ वाई। सपोज मैंने ये एंगल क्या ले लिया थीटा, वेक्टोरियल एंगल या पोलर एंगल, ये क्या ले लिया रेडियस वेक्टर, मैं इनमें रिलेशन बनाना है बेटा। सपोज ये देखो, पहले तो इसको देखो, ये है गया कार्टिजन सिस्टम, फिर मैंने इसको इनिशियल लाइन लिया, रोटेट कर दिया, कितना एंगल थीटा। तो एक बात बताओ बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है कॉस थीटा, एक्स किसके इक्वल आ गया आर कॉस थीटा, ओके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल है साइन थीटा, वाई किसके इक्वल आ गया आर साइन थीटा। क्लियर है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये इनमें क्या हो गया रिलेशन, स्केलिंग एंड एडिंग कर लो, कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा वन, आर किसके इक्वल आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके डिवाइड कर लो टेन थीटा y upon x,
एक बात और बेटा, जब आपने थीटा एंगल निकालना है, थीटा देखो मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे, यदि कोस पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव है कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट, फर्स्ट में एंगल हम क्या रखते हैं बेटा सिंपल थीटा, कोस नेगेटिव साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आ गए सेकंड, यहाँ पे क्या होता है पाई, पाई माइनस थीटा, यदि कोस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव किस में आ गया थर्ड में, माइनस पाई प्लस थीटा और पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, समझ आ गई ना, इसका नेगेटिव ले लेना है यहाँ पे, वैसे हमने प्रेफरेंस को दिया मैं माइनस पाई प्लस थीटा, यदि कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव तो किस में आ गया माइनस थीटा, जब आपने क्या लिखना बेटा टू पाई, प्रेफरेंस को दो बेटा, क्योंकि एंगल हम किस में लिखते हैं देखते हैं बेटा माइनस पाई टू पाई। तो बेटा ये हमारा रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम। जैसे बेटा मैंने कहा हमने इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाले, हमें पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेटा, क्या दिए हुए हैं पोलर कोऑर्डिनेट दिए, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाले एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आर है ये थीटा है, तो एक्स रूट टू कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा cos theta, because cos minus theta, मैंने बताया ना minus theta कौन से quadrant में है बेटा, fourth, fourth में cos क्या होता है positive, cos pi by 4, cos 45 degree, 1 by root 2 1, y, root 2 sin minus pi by 4, negative, minus sin pi by 4, क्या आ गया बेटा, 1 by root 2, क्या आ गया value, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं बेटा, यदि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हैं हमें पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो भी सिंपल है, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले ली, मैंने क्या निकालने हैं पोलर कोऑर्डिनेट, तो अब यहां से निकाल सकते हो, देखो एक्स कितना है माइनस वन आर कोस थीटा माइनस रूट थ्री आर साइन थीटा, पहले आर निकालना है स्केरिंग एंड एडिंग, आर की वैल्यू क्या आ गई टू, तो यहां पे देखो r की वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा माइनस वन बाय टू साइन थीटा माइनस रूट थ्री बाय टू, बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है cos नेगेटिव साइन नेगेटिव, थर्ड, थर्ड में क्या लिखेंगे बेटा माइनस पाई प्लस थीटा, ये नेगेटिव तो सिर्फ ये बताता है बेटा हमें कौन सा क्वाड्रेंट है, तो थीटा क्या आएगा बेटा माइनस पाई, ये तो लिख लिया, प्लस कितना एंगल आएगा साइन थीटा रूट थ्री बाय टू कहां पे होता है पाई बाय थ्री, तो क्या आंसर आ गया बेटा माइनस टू पाई बाय थ्री, नेगेटिव वैल्यू सिर्फ ये बताना है बेटा आपने भी कौन सा क्वाड है उसको आप बोल जाओ नेगेटिव वैल्यू को, आपने देखना ये वैल्यू कौन सी है वो पुट कर दो। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करूंगा, सो थैंक यू वेरी मच।